अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुख के सारे रंग हमारे संग। क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक हैं, खुश हैं? कहते हैं ना कि आज पूरे मुल्क में क्या हर तरफ मौसम जो है इतना खुशगवार है, और हम बात कर रहे हैं शहर लाहौर की और बागों के शहर से। आज जो मौसम की कहानी आपको क्या बताएं, सुबह सुबह उठे तो हर तरफ ठंडी हवाएं, बारिशें, चिरिंद परिंद इतने चिरप कर रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी हवाएं आ रही थीं, और दरख्त पौधे सब इतने सरसब्ज़ो शादाब लग रहे थे, और एकदम से कहते हैं ना कि वाह मज़ा आ गया। तो सुबह सुबह वैसे ही मौसम जब अच्छा हो तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है, आपका अपना मौसम भी उतना ही खुशगवार हो जाता है। आप वैसे ही इतने कहते हैं ना कि अपने आप को कुछ और ही आप फीलिंग में लेकर आ रहे होते, कुछ और ही पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाती है सुबह सुबह उठ के। और रिफ्रेशिंग मौसम के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज जो है एक तो मौसम पे तो हमने बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें, मौसम के गानों के बारे में क्या बात करें, मौसम की कहानी क्या सुनाएं, दिल चाह रहा है बस आप बाहर बैठें आज और मज़ेदार किस्म के गाने सुनें और चाय पिए और इन्जॉय करें, मगर आप अपने टीवी को ऑन करो और हमारा प्रोग्राम देखें। आज का दिन जो है वो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के नाम से क्या उससे मंसूब किया जाता है, और आज का दिन को कहा जाता है कि इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो व्यूअर्स, इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे क्या है, फोटोग्राफी क्या है? हम अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करने के लिए एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और वो लेंस हमारी ज़िंदगियों के अंदर इतना ज़रूरी हो गया हुआ है कि हम देखते हैं इर्द गिर्द जाते हैं, अगर कोई रेड लाइट हो तो वहाँ भी देख रहे होते हैं कि वो मोटरबाइक पे ख़वातीन बैठी हुई हैं अपने शौहर के साथ तो वो भी सेल्फ़ी खींच रही होती हैं, किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ भी आप देख रहे होते हैं सेल्फ़ीज़ खींच रही लोग खींचते हैं, शादी ब्याह की इवेंट्स हो तो वहाँ भी इतनी फोटोग्राफी हो रही होती है, कोई ऐसा मोमेंट जो है वो अनकैप्चर्ड नहीं रहता। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो आज है, तो हम चाहते हैं अपने व्यूअर्स को बताएं कि ये जो कैमरा है ना, जो कैमरे की आंख देखती है ना, ये आंख सब कुछ देख लेती है, और इस आंख से कोई छुप के नहीं रह सकता, छोटी छोटी चीज़ें भी देख लेती है, और ये जो मोमेंट्स होते हैं ये आपकी मेमोरीज़ बन जाती हैं, और जो मेमोरीज़ होती हैं आप बाद में खोल कर एल्बम्स में देख रहे होते हैं, हाय अब तो मैं मोटी थी, हाय अब तो मैं बड़ी पतली थी, हाय मुझे क्या हो गया, हाय अब मेरा मुंह तब चेहरा बहुत कम था, अब मेरा चेहरा ज़्यादा हो गया, हाय वो ज़माने में मेकअप देखा था कैसा था, अब देखो कितना, तो वो कितने साल बाद भी हम वो नॉस्टैल्जिक जो मोमेंट होता है, नॉस्टैल्जिया होता है, उसको हम याद करते हैं, उसको हम कहते हैं ना कि मेमोराइज करते हैं, उसको हम उन यादों को चेरिश करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम कुछ यादें भी चेरिश करेंगे, और हमारे साथ होंगे हमारे प्यारे प्यारे एक्सपर्ट्स जो हमें बताएंगे कि फ़ोटोग्राफी का एंगल कैसे रखना चाहिए, ऐसे फोटोग्राफी आप साथ साइड पोस्चर से आप पतले नज़र आओगे, फ्रंटल से आप थोड़े से हेल्दी नज़र आओगे, अगर आप अपना मिडल रखोगे पोज रखोगे तो वैसे कैसे नज़र आओगे, चेहरे को स्मार्ट करने के लिए आपको कौन सा एंगल से पिक्चर लेनी चाहिए, हम सब ये आज बातें करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम ख़वातीन का मसला यही है कि शादी ब्याह पे जाएं तो हम लोग डार्क डार्क कपड़ा पहनने शुरू हो जाते हैं कि भाई हम पतली नज़र आएँ, हम स्मार्ट नज़र आएँ, और मेकअप भी हम लाइट करें ताकि हम बड़े बड़े ओवर एज नज़र ना आएँ, मगर जो कैमरा है ना, कैमरा सब कुछ बता देता है, मगर कैमरा भी उसको ऑपरेट करने का तरीका है, उसको कहते हैं ना कि उसको पोस्चर, उसका जो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन है, उसका एंगल है, उसको किस तरीके से आपने अपने आप को बेहतर नज़र आना है, बेहतर दिखाना है, ये भी एक टेक्निक होती है, जो ओपिनियन होते हैं वो हमारे फोटोग्राफर्स देंगे, और फोटोग्राफर की बात करें तो फोटोग्राफर्स हमारी ज़िंदगियों में कितने इम्पॉर्टेंट है आज हमें पता लगेगा कितने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कह रहे होते हैं भाई ये तस्वीर अच्छी नहीं आई ये वापस ले लो, फिर हम वो तो शादी ब्याह पे इवेंट्स के ऊपर भी हम कह रहे होते हैं ये तस्वीर अच्छी नहीं आई भाई इसको वापस ले लो, ये हम बार बार उसके कैमरे से हम निकाल रहे होते हैं ये भी डिलीट कर दो ये भी डिलीट कर दो, हम ऐसे नज़र आएँ, हम वैसे नज़र आएँ, हमारे बाल ऐसे नज़र आएँ, हमारा चेहरा ऐसे नज़र आए, हमारी लुक्स ऐसे नज़र आएँ, हम तो ये बातें करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो ब्राइड होती है, जिसका मेन डे होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है, वो कितनी पैनिक में होती है, क्योंकि वो अक्सर कह रही होती है कि मेरा मेकअप बड़ा नेचुरल हो, बहुत रेड रेड ना हो, क्योंकि पिक्चर्स आनी है। अच्छा व्यूज, मैंने ये भी देखा है कुछ लोग पिक्चर्स के लिए मेकअप करते हैं, और कुछ लोग करते हैं कि नेचुरल सामने से कोई जो भी देखे उस जोड़े को, उस ब्राइड और ग्रूम को, तो वो अच्छा नज़र आए,
कुछ मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं हम तो ऐसा मेकअप करते हैं जो हमारी पिक्चर्स बड़ी अच्छी नज़र आती हैं, और कुछ मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि हम तो मेकअप वो करते हैं जो कि नेचुरली अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे, आँखों को अच्छा लगे। तो ये भी एक बहुत एक ज़रूरी टेक्निक है और एक इम्पॉर्टेंट कहते ना कि एक रेफरेंस है कि हमने जो मेकअप कराना है वो अपने दिल के लिए कराना है, अपनी आँखों के लिए कराना है या कैमरे के लिए कराना है। तो ये इन चीज़ों के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे कि मेकअप भी ज़रूरी है, फोटोग्राफी भी ज़रूरी है, कपड़े भी ज़रूरी हैं, जेवर भी ज़रूरी है और खाना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को जब हम कहते हैं ना कि एक्यूमुलेट करते हैं तो एक ही हमें आवाज़ सुनाई देती है, वो है कैमरा, खींच मेरी फ़ोटो। तो पिक्चर जो है वो कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में, पिक्चर्स के साथ हम कैसे अपने आप को खूबसूरत हसीन बना सकते हैं और उसके पीछे क्या साइंस है, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे, आज हम बात करेंगे। और व्यूअर्स, पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, पूरे मुल्क में मौसम जो है वो बहुत आ रहा है, डिफरेंट है, क्योंकि कराची की अगर हम बात करें तो कराची में आपको पता है वो साइक्लोन का अलार्मिंग सिचुएशन चल रहा है, और अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा वाक़या हो जिससे इशू हो। हम सब दुआगो हैं अपने सारे बहन भाइयों के लिए, अपनी पूरी कौम के लिए, जो भी कराची में रहते हैं, जो भी कराची में बसते हैं। हमारा मेन स्टडेड कराची, स्टार स्टडेड जो सिटी है वो कराची है, सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ, लोग हैं वहाँ, मेगा सिटी है एक पाकिस्तान का। अल्लाह ताला उन सबको महफूज रखे, क्योंकि आज इंडिकेशन है कि एक साइक्लोन है वो टकराएगा केटी बंदर की तरफ, कहा गया ये चीज़, मगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश हो। और हम सब अपने बहन भाइयों के लिए दुआगो हैं। तो ये मौसम जहाँ कहते हैं ना कि रहमत लेकर आता है, वहाँ समटाइम जहमत भी लेकर आता है, मगर अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और आज के शो में हम यही बात करेंगे कि मौसम जो है, क्लाइमेटिक चेंज है, वो पूरी दुनिया में आ गया है। क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ हमारा दिल चाहता है हम जगह 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 उसको कैप्चर करें, उसकी सीनिक ब्यूटीज़ को लें, और छोटी छोटी ब्यूटीज़ को लेके हम कैप्चर करके अपने सोशल पेजेस पे लगाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो व्यूज़, अल्लाह ताला हमें ऐसे ही इंजॉयमेंट के साथ जीने का मौका दे। और छोटी सी ब्रेक पर जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स, मौसम इतना खुशगवार है, इतना हसीन है, इतना कितना दिल नशीन है कि दिल किया कि आज हम क्यों ना किचन से अपना स्टार्ट लें। और हमें ज्वाइन किया है हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ ने, मुस्तफ़ा राजा ने, जो कि स्पेशली ही हैज़ हेल्ड फ्रॉम कराची और ही इज़ वर्किंग इन लाहौर दीज डेज। मुस्तफ़ा, पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं आई एम फ्रॉम कराची, और मैंने लाहौर से ही अपनी करियर का शुरुआत की थी, और मैंने यहाँ पे बहुत काम सीखा है। अब मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है आमू, और मैंने सारी जितनी भी अपनी कुकिंग की स्किल्स हैं वो लाहौर से सीखी हैं। उससे पहले मैं एक कुकिंग स्कूल जो है स्कैफा उधर गया था, और फिर उसके बाद मेरी करियर का आगाज़ हुआ था। मुस्तफ़ा, आपका जो जॉनरा है, लाइक स्पेशलिटी जो है आपकी, वो किस चीज़ में है? व्हाट डू यू कुक द मोस्ट, लाइक यू नो, जिसका वाकई खा के ऐसा लगे इट्स लाइक फिंगर लिकिंग फूड? वैसे तो ऑल ऑफ माय फूड इज फिंगर लिकिंग गुड, बट व्हाट वी स्पेशलाइज इन इज मोस्टली फ्रेंच फूड एंड इटालियन। आई एम गोइंग टू बी मेकिंग इटालियन फूड टुडे। एक डिश है रेवियोली, वो मैं बनाने लगा हूँ रिकॉटा चीज के साथ और टोमेटो सॉस के साथ। तो ये इटालियन डिश आप बना रहे हैं, ठीक है। तो इटालियन डिश ऑब्वियसली बात है कि यू नो, हम अक्सर नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई आज मौसम अच्छा है या तो चाइनीज बना लें या बहुत हो गया तो देसी पाकिस्तानी बना लें। तो आज हम आपको इटालियन डिश जो है वो मुस्तफ़ा के हाथ से खिलाने वाले हैं, और आप भी अपने किचन में जाएं और जल्दी जल्दी से रेसिपी नोट डाउन करें। मुस्तफ़ा, ये डिश क्या है, व्हाट इज दिस डिश ऑल अबाउट? ये एक पास्ता डिश है जो कि जो स्टफ्ड है एक चीज़ के साथ, रिकॉटा चीज़ के साथ, ठीक है। और ये मैं फ्रेश पास्ता रोल आउट करूँगा आपके सामने। अच्छा। और फिर ये यहाँ पे जो है रिकॉटा चीज़ जो है हमारी तैयार होने वाली है,
और उसके बाद मैं उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक एक करके बनाऊंगा। अच्छा, पास्ता भी आप फ्रेश बनाएंगे? जी बिल्कुल, मैं फ्रेश पास्ता रोल आउट करूंगा। और ये पास्ता मशीन है, पास्ता रोलर है। अच्छा, ये पास्ता रोलर जी है। ये अवेलेबल नॉर्मली मिल जाती है आराम से? ये ढूंढना पड़ता है, ये तो बहुत पुरानी मशीन मेरे पास है। अच्छा, तो ये वैसे तो मिल जाती है लेकिन इतनी ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतने मसाले नहीं डलते हैं जैसे कि हम लोग आदि होते हैं, तो ये बहुत माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं इसके और बहुत हल्की सी स्पाइस होती है इसमें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं यहाँ पे, नमक, फ्रेश थाइम भी पड़ा हुआ है, गार्लिक, लेमन, अनियंस, ये पार्मेजान चीज़ है, ठीक है, और बस ये एग्स है, सॉल्ट है, एग्स हैं और बेसिल लीव्स हैं और थाइम है, इसका बेसिक कंपोनेंट है। और ये आपका फ्लावर है? ये फ्लावर है जी। ओके, आप स्टार्ट करें, साथ साथ व्यूअर्स देख रहे हैं आपको किस तरह आप बनाएंगे और थोड़ी सी रेसिपी के बारे में बताएं कि आप पहले क्या करेंगे। पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा रिकॉटा के साथ, इसमें मैंने मिल्क और क्रीम को मिक्स किया हुआ है। अच्छा। ये इसको मैं हल्का सा बॉईल पे लेकर आऊँगा, फिर इसके अंदर जो है मैं विनेगर डाल के इसको, इसके कर्ड्स सेपरेट करके इसकी फिर चीज़ तैयार हो जाएगी, जैसे पनीर बनाते हैं वैसे ही इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसकी टमेटो सॉस से शुरू करूँगा। आप स्टार्ट करें जी। आप स्टार्ट करें, वो देख रहे हैं साथ साथ और साथ साथ हमसे बातें भी करते जाएं। जी जी, मौसम इज वेरी ब्यूटीफुल। यस, अच्छा ऐसा अब तो कराची का भी मौसम बहुत चेंज हो गया है जी, अभी तो इधर इधर शॉपिंग बोर्ड से इस तरफ कर लें, हाँ इधर रखें, हाँ चेंज हो गया हुआ है। और पहले होता था कि कराची में तो बारिशें होती नहीं थी, इस तरह की चीजें नॉर्मली नहीं होती थी जी, बिल्कुल। अब with the passage of time बहुत बदल गया है कराची का, changes all over the world आए हैं लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत frequent changes हैं। हाँ जी, ये they say climate change isn't real but it definitely is, we are responsible for the climatic changes, of course we are, of course। तो कोई आप ऐसी टिप देना चाह रहे हो जो आपका, अच्छा ये सारा कुछ वेस्ट होता है नॉर्मली, इसके साथ व्हाट वी कैन डू? नॉर्मली होता है ना, हम इतना वेस्ट करते हैं और कचरे में डाल देते हैं, लिटर एज अ लिटर इसको शो करते हैं, तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों का? देखें, जो वेस्ट तो थोड़ा सा होता ही है रेस्टोरेंट्स में भी और घर के किचन में भी, लेकिन आप हर चीज़ को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपके वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स होते हैं उससे आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं अपने गार्डन के लिए, वो आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी है। जो थोड़े बहुत वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स होते हैं उससे आप स्टॉक बना सकते हैं, स्टॉक बना सकते हैं। हाँ जी, और थोड़ी बहुत तो लाजमी होती है, वेस्ट वेस्ट होती तो है। लेकिन आप यू हैव टू बी, हाँ जी, यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन एंड यू नो यू हैव टू नो वेयर यू कैन यूज द वेस्ट, ठीक है, कि आप ये जो सारा वेस्ट है इसको आप ऑर्गेनिक चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं या इनका स्टॉक निकाल के आप फ्रीज कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी आगे कोई आप रेसिपी बना रहे हो तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकें, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो इसके साथ साथ तो लाहौर और कराची का जो ड्रिफ्ट है, चेंज है, वो कैसा लगा लाहौर आके काम करना और कराची में ऑलरेडी काम किया हुआ आपने? मुझे तो लाहौर बहुत अच्छा शहर लगता है और बहुत लोग जो कराची से आते हैं वो डिसएग्री करते हैं इस बात से, उनको बहुत बुरा लगता है कराची, सॉरी लाहौर, सारे शहर हमारे हैं, हमें सबसे शहर पसंद है, मगर वो आई थिंक वो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में, हर शहर की अपनी एक खासियत है और बिल्कुल, मगर लाहौर बहुत अच्छा शहर है, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है और अच्छा, जो नए बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या जो कल्नरी स्टडीज करते हैं उनके लिए क्या स्कोप है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ये स्कोप है, मुझे जो लगता है कि उनको बस डट के मेहनत करनी चाहिए और जो उनकी मेहनत होगी वो उनको आगे तो पहुंचाएगी। बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं लाहौर में स्पेशली और ऑल ओवर पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है हमारा जो ना फूड इंडस्ट्री है। अच्छा, फूड ट्रेंड कराची का कैसा है, लाहौर का कैसा है? दो अलग अलग शहरों की अलग अलग, कहते हैं ना, खाने का स्टाइल है, आपने दोनों शहरों में काम किया हुआ है,
तो दो शहरों के खाने की स्पेशलिटी के बारे में बताएं कि दोनों तरह के जो लोग हैं या वहाँ जो बसते हैं लोग उनमें कराची के लोगों को क्या पसंद है और लाहौर के लोगों को क्या पसंद है और आप जो बनाते हैं आप किस स्पेशली टारगेट को आप टारगेट ऑडियंस को आप केटर कर रहे हैं? कराची में मैं कहूँगा कि जो डाइवर्सिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर बहुत डिफरेंट कम्यूनिटीज़ हैं तो उनका खाना बहुत अलग अलग किस्म का होता है. यहाँ पे इतना डाइवर्स नहीं है तो यहाँ पे एक ही किस्म का आपको खाना मिलता है और मैं देसी खाने के बारे में बात कर रहा हूँ. और यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से इतना ओपन नहीं होते हैं नई चीज़ों के बारे में तो, नहीं करते, हाँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है. कराची में ऐसा नहीं है, वहाँ पे थोड़े जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं नई चीज़ों को, नए खानों को. तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कराची जो है वो खाने में आगे है लेकिन लाहौर में भी बहुत इनोवेशन आ रही है और बहुत बहुत सारी नई जगह ऐसी खुल रही हैं जो बहुत अच्छी हैं और उनका बहुत आगे स्कोप है चलने का. तो आपने सोचा कि आप देसी भी बनाएं या देसी खाना सीखें? मुझे तो बहुत अच्छा देसी खाना पकाना अच्छा, भी आता है और इसका मतलब कि हम आगे आने वाले दिनों में आपसे बनवाएंगे. सही है जी जी बिल्कुल ठीक है. आप ये लेमन के क्या चंक्स को आप वो कर रहे हैं? जी मैं बस इसके सीड्स निकाल रहा हूँ, लेमन के वेजेस बना रहा हूँ. ये मुझे बाद में मेरे काम आएंगी तो मैं पहले से इसको प्रिपेयर करके रख रहा हूँ अपने लिए थोड़ा सा. ठीक है साथ साथ जी ठीक है. और आपने बड़ा फाइनली चॉप अनियन क्रश किया ऐसे जैसे हम ब्लेंडर में करते हैं. हाँ जी बस ये तो फिर भी थोड़ा मोटा है, इससे भी पतला हो सकता है लेकिन ये अभी मेरे मेरे लिए यही इस्तेमाल के लिए है तो मैं इस्तेमाल करूँगा. ठीक है ठीक है ओके. और सही है तो ये जो आप ये तो ये आज हम बना रहे हैं पास्ता और बड़े डिफरेंट तरीके का पास्ता है, किस्म का पास्ता है और इटालियन है और इसमें जो हर्ब्स हैं वो हमने आपको बताए हैं. नॉर्मली जो हर्ब्स होते हैं वो हमारे घरों में हैं, थाइम बेसिल जो है ये लीव्स नॉर्मली हमारे गार्डन्स में हम होते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हमारे जो लॉन्स में हमें कौन से हर्ब्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी है. अक्सर माली लगाया जाता है और हमें आइडिया नहीं होता वो लगा के क्या जा रहा है. तो आपने ज़रूर पूछना है अपने माली से कि क्या लगा के जा रहा है क्योंकि ये खाने में इस्तेमाल. हाँ जी ये बेसिल जो है इसका जो लोकल नाम है ये तुलसी इसको कहते हैं. तुलसी, तुलसी के पत्ते. हाँ जी तो ये जो है ना ये मेरे ख्याल से तो ऑल ओवर लाहौर ये बड़ा आम होता है. हाँ, उगरा होता है तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आप जाके कहीं से खरीदें. तो ये आप बस जहाँ पे आपको नजर है आप उठा के ले लें, आप रख लें और इसको आप फ्रीज कर दें. नहीं फ्रीज नहीं, इसका जो एक बहुत फायदा होता है ना कि इसका आप जो नीचे स्टेम जो है ना अगर आप पानी में रख दें 3-4 दिनों के लिए तो इसके रूट्स निकल आती हैं. फिर रूट्स निकल आए हैं तो आप इसको एक गमले में लगा सकती हैं और फिर ये उगता रहेगा आपके पास. अनलिमिटेड सप्लाई बेसिल की हो जाएगी आपके पास. ठीक है ये भी काफी अच्छा था आपने बताया, टिप बताइए. ठीक है सही है और ये आपने इधर चॉप कर दिया. मैं तो सिर्फ वेट करूं कि आप पास्ता कैसे बना के इसको रोल आउट करेंगे. यू नो इनोवेटिव थिंग क्योंकि नॉर्मली हम पास्ता उठाते हैं मार्केट में से पैकेट में से और हम बना लेते हैं, हम उसको बॉईल कर देते हैं. वो भी बुरा नहीं होता लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ कि फ्रेश पास्ता हो, ये बहुत बेहतर होता है. मैं जरा ये रिकॉटा जो है इसको. अच्छा रिकॉटा भी चीज का नाम है? हाँ जी रिकॉटा चीज के नाम से मिलती है जी, मिल जाती है. ये बहुत आसान भी होती है बनाना ना घर पे. इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ. इसमें 1 लीटर दूध और 1 पैकेट क्रीम और इसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर का जाएगा. फिर इसको हम लोग थोड़ी देर कवर करके साइड पे रख देंगे ताकि जो चीज़ है वो सेपरेट हो जाए और दूध इसमें से. हाँ सेपरेट जी रोकने का है. ठीक है रिकॉटा चीज़ ठीक है. और अगर कोई लोग जो हैं उनको ये चीज़ नहीं बनानी आई या उनको नहीं समझ आ रहा तो वो नॉर्मल चीज़ दूसरी भी डाल सकते हैं? जी इसमें पनीर इस्तेमाल हो सकती है क्योंकि बहुत सिमिलर होती है. बस उसके अंदर जो है उन्होंने थोड़ा सा उसमें मिल्क और क्रीम ऐड करनी होती है ताकि उसका टेक्सचर चेंज हो जाए. आप ये रिकॉटा चीज बनाएं साथ पास्ता के लिए हम वापस आपको तंग करेंगे कि आप कैसे पास्ता रोल ऑन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और इंग्रेडिएंट्स व्यूअर्स आपको हमने बता दिए हैं. तो आपने आज मज़ेदार किस्म का पास्ता बनाना है और इस मौसम में इंजॉय करना है हमारे साथ साथ. हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे. एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. Thank you.
आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और फोटोग्राफी जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या एक रोल लेकर आई हैं, और कहते हैं ना कि मोमेंट्स जब कैप्चर होते हैं तो वो एक मेमोरीज छोड़ जाती हैं, और वो जो लेंस होता है ना वो हमारी जिंदगियों के क्या हमारे साथ साथ चल रहा होता है, जहाँ हम जा रहे होते हैं वो लेंस हमें फॉलो कर रहा होता है। तो लेंस तो फॉलो करता है, और लेंस के पीछे किसकी आर्ट डायरेक्शन होती है, लेंस के ऊपर कौन फोकस को बार बार कहता है, लेंस को एंगल को बदलना कौन सिखा सकता है, और लेंस के पीछे इसकी प्रोज एंड कॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हमने आज अपने प्रोग्राम में बुलाया है एक एक्सपर्ट कपल को जो कि इकट्ठे काम करते हैं, और उनका काम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और आज उन्होंने बहुत फेमस वेडिंग्स भी कवर की हुई हैं, और वो डुएट है। तो मैं इनवाइट करती हूँ आतिफ रियाज को फ्रॉम आतिफ रियाज प्रोडक्शंस, और महा आतिफ को, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड वर्क विद हस्बैंड। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अना फॉर कॉलिंग अस। हाँ, तो आतिफ, मौसम, कैमरा, लेंस, और सर मैं आई कैन रिकॉल दोज डेज यूनिवर्सिटी में जब आतिफ के हाथ इधर कैमरा होता था और आतिफ साहब पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे होते थे। तो मैं बात कर रही हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पंजाब यूनिवर्सिटी की, जहाँ आतिफ साहब पहले स्टूडेंट थे और कैमरा ले लेके फिर रहे होते थे। तो आज प्रोफेशनली काम करना, हाउ यू कैन रिलेट इट? यार आपने तो बहुत कुछ सम अप कर दिया है ओवरऑल मेरी लाइफ का एक स्पैन, के कैमरा एक्सपर्ट और एज अ ट्रेनर, ऊपर से मौसम की बात कर दिया है, तो इस टाइम पे तो कैमरा उठाने को दिल करता है। और प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनली एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है फोटोग्राफर को कि किस तरह से आपने अपने सामने इस खूबसूरत किसी मंजर को कैप्चर करना है या किसी करेक्टर को कैप्चर करना है, उसमें कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, लाइट, बहुत कुछ मैटर करता है। और आप बात करी थी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की, तो मुझे अभी चांस मिला वहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, मैं स्टूडेंट था, वही कैमरा उठा के मैं फेर रहा होता था, तो अब मुझे चांस मिला कि मैं वहाँ पे एज अ ट्रेनर उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी यू नो यू कैन से एक बहुत स्विच है मेरे करियर का, और आई फील वेरी प्राउड के बड़ा ट्रेन करने को मिल रहा था। यू नो ऑलरेडी के यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारे कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। आज कुछ चीज़ें हम दिखाना चाह रहे व्यूअर्स को आपके, आपका काम, तो आप साथ साथ हमें बताते जाएंगे आपने कब कैप्चर की। हाँ, ये एक वेडिंग थी, हमारे एक क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर इंजमामुल हक, उनकी बेटी की वेडिंग थी जिसमें मुझे चांस मिला कवरेज करने का, तो आई गॉट सो मेनी सेलिब्रिटीज थे और बहुत से क्रिकेटर्स थे, और इट वाज अ वेरी यू नो शाहीन जाफरी। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े अच्छे एक्सप्रेशन यहाँ पे कैप्चर किए गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कैप्चर एक्सप्रेशन ऑन द वेडिंग, बिकॉज आपके पास एक सर्टन टाइम लिमिट होता है, फ्यू सेकेंड्स होते हैं जिसमें आपने क्लिक करना होता है, एंड यू नो द प्रोटोकॉल ऑफ दिस मोहम्मद हफीज़ भी हैं, और साथ साथ आप स्लाइड शो में देखते रहेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज आते जाएंगे, तो दिस वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। कैप्टन बाबर आजम भी, दीज गाइज आर वेरी यू नो कैमरा फ्रेंडली और बहुत सपोर्ट करते हैं। और ऐसा ऐसा होता है, नॉर्मली हम ये समझते हैं जो स्टार स्टडेड लोग होते हैं वो कैमरा बहुत कैमरा शाय होते हैं, वो तभी कैमरे में आते हैं जब उनको कोई रोल या कोई शॉट लेना हो। बिल्कुल ऐसा होता है ना, हमने exactly, ही सुना हुआ है। बिल्कुल, बट ये था कि बहुत से लोग मुझे जानते हैं तो उनको हम पहले से फ्रेंडली कर लेते हैं कि सर आपकी पिक्चर चाहिए, देखिए कितना, हां कितना अच्छी स्माइल दे रहा है। उमर अकमल हैज अ वेरी वाइब्रेंट एक्सप्रेशन एंड स्माइल, उनकी स्माइल पूरे मुंह पे होती है हमेशा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। यस, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, और इसमें आपको बहुत से और चेहरे मिलेंगे जो के कैप्चर किए गए। बिल्कुल, अब्दुल रजाक साहब जी, बिल्कुल, बहुत से हमारे लेजेंड्स वर देयर ऑन द वेडिंग, तो काफी अच्छा फैसिलिटेट किया इन्होंने भी, हिजबुल हक भी आ गए, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। बिल्कुल, हमारे तो सारे क्रिकेटर्स ने बहुत कुछ किया। शफकत अमानत अली, ये भी बिल्कुल बहुत बड़े उस्ताद हैं, ये लेजेंड पाकिस्तान की सिंगिंग इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है इनका, लेगेसी एक फॉलो कर रहे हैं। ये सारे लोगों को कैप्चर करना, ओके मोइन, देखें जी आप देखते जाएं कि क्या क्या लोग जो है वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विकेट कीपर बैट्समैन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ओके, हमारे स्पीडस्टर स्पीडस्टर शोएब अख्तर और रावलपिंडी एक्सप्रेस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अमेजिंग अमेजिंग। यू नो ये सारी चीजें हम सब सम अप करते हैं तो आपके क्रेडिट पे भी बहुत चीजें आ जाती हैं। वकार, वकार यूनुस साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हां जी वकार यूनुस साहब भी हैं, बिल्कुल।
तो क्रेडिट पे भी आ जाती हैं, और इन लोगों को कैप्चर करना है कि एक्सप्रेशंस, ये लोग बहुत रिलेट करते हैं एक्सप्रेशंस, समटाइम्स एक्सप्रेशंस को रिलेट करते हैं. और अच्छा, ये है यूनुस खान. जी बिल्कुल बिल्कुल, यूनुस खान साहब, मोहम्मद, सॉरी मोहम्मद यूसुफ साहब, ये मैं दूर से देख रही थी, मुझे आइडिया नहीं हुआ, मोहम्मद यूसुफ हैं ये. और ये इन लोगों के एक्सप्रेशंस आप कैप्चर करते हैं. मगर अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ऐसा दिखाओ हम मोटे ना आए. अच्छा। होता है ना ये, सुनते बड़ी कॉमन चीज़ है ये. बिल्कुल, ये वुमन मर्दों में तो नहीं है, औरतों में ज़रूर ऐसा किया जा सकता है. उसके लिए भी आपने शुरू में सम अप किया था कि एंगल मैटर करता है, लाइट मैटर करती है, एक्सप्रेशन मैटर करते हैं, डिस्टेंस मैटर करता है, तो सब कुछ पॉसिबल है. बिल्कुल पॉसिबल है. बिल्कुल, आजकल तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं. बिल्कुल है. और संभाल रहे हैं पंजाब को, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. और अच्छा, सारे लोगों को कैप्चर किया और वो पिक्चर्स लगी होंगी, तो आपकी तो फॉलोइंग कहाँ से कहाँ बढ़ गई होगी. हाँ जी, मुझे बहुत सी उसके बाद कॉल्स आई हैं कि मैंने ये वेडिंग कवर की है और इससे काफ़ी फेम भी मिला. और देखिए, डिपेंड करता है आपके कहाँ पे. हमने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया, बहुत अच्छी सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट हमें इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल मिला. महा साथ साथ जाती हो आतिफ के वेडिंग्स वगैरह में, जाती हो? बिल्कुल नहीं, कि बस कहती हो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ. नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट मैंने आई स्टार्टेड अप एज अ फोटोग्राफर, और उसके बाद मैंने बाद में मेकअप को परस्यू किया था. और फोटोग्राफी में अभी भी वेन एवर आई गेट अ चांस तो मैं ज़रूर जाती हूँ. ऑन स्पेशली ऑन ओकेजन्स वैन आई एम एक्चुअली कॉल्ड एज अ फोटोग्राफर, फील में फोटोग्राफर, क्योंकि समटाइम्स हिजाबी फैमिलीज होती हैं. ओके ओके. या सेग्रीगेटेड फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए फिर प्रायोरिटी होती है, क्योंकि यू डू फोटोग्राफी एज वेल. एग्जैक्टली. और मेकअप के साथ साथ. बिल्कुल. वेडिंग मेकअप बाद में आपने स्टार्ट किया. बिल्कुल. ठीक है, तो आप लोगों का जो डुएट है, कॉम्बो है, लोग प्रेफर करते हैं कि हमें अंडर वन रूफ सर्विसेज मिल जाए. बिल्कुल. वन प्लस वन यू नो इज़ ऑलवेज 11, तो हमारी बहुत पावर हो जाती है जब हम इकट्ठे काम कर रहे हैं. क्लाइंट भी काफ़ी सेटिस्फाई हो जाता है और उनको अंडर वन रूफ. स्पेशली ब्राइड्स को ये होता है कि हैसल फ्री हमें हो डे हमारा. और ज़्यादातर होता है कि फोटोग्राफर्स और मेकअप आर्टिस्ट के टाइमिंग्स में थोड़ा सा क्लैश होने की वजह से उनका जो कपल शूट होता है वो बहुत बैडली इफेक्ट होता है. तो व्हेन यू आर देयर एट अ प्लेस जहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफी भी हो रही हो और आपका आने जाने का ट्रैवल टाइम सेव हो रहा हो, और क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफर हूँ, मुझे पता है मैंने शूट करना है, मुझे पता है डे लाइट गोल्डन आवर्स कौन से होते हैं, और मुझे पता है कि मैंने इनडोर कितना टाइम देना है आउटडोर, तो आई नो दैट आई कॉन्ट डिले दैट. तो मैं मेकअप आई मेक श्योर कि वो टाइम से थोड़ा पहले हो, ताकि आतिफ और मैं अपनी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अच्छा सा एक. अच्छा आतिफ, अगर आज समझो किसी की शादी है फॉर इंस्टेंस, हो भी सकती है ना, अब तो मौसम भी यू नो इट्स रेनिंग, शूट है आउटडोर, ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू विल बी डूइंग? सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना होता, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेज करना होता है. अगर हमें कोई आउटडोर स्पेस अच्छी मिल जाए जहाँ पे हम ईजिली शूट कर सकते हैं, तो हम उसको कर लेते हैं. अगर बारिश नहीं है, अगर बारिश में कैप्चरिंग हो जाती है, बारिश में मोस्टली कैप्चरिंग मुश्किल होती है, क्योंकि ब्राइड है, उसका ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव होता है, मेकअप होता है, फिर यू नो आपने शूट के बाद अपने इवेंट पे जाना होता है. तो मोस्टली कपल्स ट्राई करते हैं कि हम इंडोर शूट कर लें, बट जिनको बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी का शौक होता है, आर्ट लवर्स होते हैं, जैसे मौसम से नेचर लवर्स होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, ये हमारी वन टाइम मेमोरी सेव हो रही है, तो जैसा भी वेदर है हम इसमें शूट कर लेते हैं. वी हैड एक्सपीरियंसेस ऑफ डूइंग दैट टू. अच्छा, एक दफ़ा मुझे याद है एक ब्राइड ने अपने साथ स्नीकर्स रखे हुए थे, स्पेशली के घास में मेरे, उसने काफ़ी जिमी चू की उसकी हील्स थी, और उसने बोला मेरी हील्स ग्रास में ख़राब हो जाएंगी, लेकिन मैंने ग्रास में ही करवाना है आउटडोर, तो उसने स्नीकर्स पहन के. अच्छा, पूरा ब्राइडल जोड़ा. अच्छा, था नीचे उसने स्नीकर्स पहने. ट्रेंड है कि स्नीकर्स पहने होते हैं लहंगों के नीचे, मैंने काफ़ी ब्राइड्स अब तो कस्टमाइज स्नीकर्स बनते हैं जो ब्राइडल ड्रेस के साथ, वो कस्टमाइज एम्बेलिश्ड स्नीकर्स होते हैं. अच्छा अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, सेम मैचिंग स्नीकर्स जो है वो चलने में आसानी होगी. क्लचेस होते थे तो अब एम्बेलिश्ड जूते भी साथ. सर मैंने ये देखा ना कि वॉकवेज में जाते जाते खवातीन गिर भी जाती है, मैंने ब्राइड्स को गिरते हुए भी देखा है, और हील्स स्टक हो गई वॉकवे के अंदर, ग्लास के अंदर. तो ये भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, समटाइम्स इट टर्न आउट टू बी अ बैड एक्सपीरियंस, समटाइम्स इश्यूज होते हैं. तो हम ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सी मज़ेदार बातें करनी है, मौसम इंजॉय करना है, खाना इंजॉय करना है. व्यूअर्स हमारे साथ रहें. गुड मॉर्निंग धनक. चले.
सफर ये वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने देखा कि हम जो है लाइव आपको बता रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं कि ग्रूम का शूट कैसे होता है। तो आतिफ जो हैं वो शूट कर रहे हैं और शूट में वो उनको कह रहे हैं कि चेंज द मूवमेंट, आप अपना पोजीशन चेंज करें, आप अपना स्टाइल चेंज करें, और वो ऑटोमेटिकली आतिफ चेंज कर रहे हैं। वेरी नाइस एक्ट अली। ओके, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर आउटफिट और अपनी बहुत से पोजेस अच्छे रखो, ठीक है। Feel like a groom. Expressions. Zabardast. Look in the camera. Perfect. Hina, look at this result. Oh, nice. ये तो लगी नहीं है location ये वाली आते। Exactly. और साथ the character looks so, you know, blended. अच्छा ये अब हम pictures जो हैं ये आप zoom करके देख सकते हैं कि हमने pictures अभी live ली हैं और pictures are amazing, amazing, amazing. आतिफ कैमरे में दिखाओ ताकि एवरीवन गेट टू नो कि अगर इस फ्रेम के ऊपर उन्होंने किस तरह की पिक्चर्स खींच सकते हैं वो, और थोड़ा सा ज़ूम कर लो। हाँ, देख रहे होंगे आप। देखिए, पूरी फील चेंज हो जाती है अगर आपका मॉडल कॉन्फिडेंट है, अगर उसके एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है, अगर आपका फ्रेम अच्छा है। इसने फ्रेम के अंदर ही पूरा कैरेक्टर ले लिया है। सो नाइस, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। मतलब कि नॉर्मली होता है ना कि वो बेंच आ रहा है या ऊपर दीवार नजर आए, तो तुमने बिल्कुल फ्रेम के अंदर ही कैरेक्टर को वो कर दिया, फिट कर दिया। एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन द कैमरा टू। इसमें लेंस भी मैटर करता है, ओवरऑल सिचुएशन भी मैटर करती है, कंपोजिशन एंड फ्रेम, वाइड एंगल भी, क्लोज फ्रेम्स भी। तो क्योंकि अब हमारे पास इधर सिचुएशन इस तरह वर्टिकल में है, तो मैं इसको वर्टिकल कैप्चर करूँ, और इसके पोर्ट्रेट्स अच्छे आ रहे हैं, ओवरऑल फुल लेंथ भी अच्छा आ रहा है, और ये अच्छे से कैरी किए हैं मैं अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी वांट। ओके, समटाइम्स कपड़ों में कोई डिजास्टर हो सकता है, समटाइम्स जैसे कुछ चीजें नहीं मिक्स एंड मैच होती, एंड में डिजाइनर कपड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। हाउ यू कर्व दिस, नॉर्मली आप क्या करोगे फिर उसके? देखिए, ऑन स्पॉट भी कुछ चीजें मैनेज हो जाती है, और पोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट वर्क में भी बहुत सी चीजें मैनेज हो जाती है जो आप एडिट में बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एडिटिंग इतनी चीजें चेंज कर देता है बाद में? अब तो बहुत चेंज कर देते हैं, AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो, तो उसमें तो यू कैन क्रिएट अ होल कैरेक्टर। तो अब तो इतनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, और इससे पहले हम फोटोशॉप करते हैं, लाइट रूम करते हैं, उसमें बहुत सा कुछ बेहतर किया जाता है। मेकअप रीटच किया जा सकता है, कपड़ों में सिल्वरटे आ रही है चेंज किया जा सकता है, कलर चेंज किया जाती है, एवरीथिंग वी कैन डू। तो ये आप ग्रूम के पिक्चर्स लें, और ग्रूम जो है वो हमारे मॉडल हैं। हम थोड़ा मेकअप की तरफ आ जाएं और माहा से बातचीत कर लें। माहा, एक नॉर्मल वेयर, लाइक हमने किसी के घर जाना है, नॉर्मली हमने कैजुअल तैयार होना है, तो आज जो है ये कैजुअली ड्रेस्ड अप हैं, आप इन पे क्या सजेस्ट करती हैं मेकअप, तो ताकि हम फोटोग्राफी में बहुत अच्छा आए रिजल्ट? अच्छा, अगर तो लाइट्स और फोटोग्राफी के अकॉर्डिंगली हम करें काम, तो उसमें हम थोड़ा सा लाउड मेकअप करते हैं, क्योंकि लाइट्स जो है वो कलर को थोड़ा सा एलिमिनेट कर देती हैं। बट अब जैसे इनका कपड़ा बिल्कुल कैजुअल है, ऑब्वियसली शी इज़ नॉट गोना अटेंड अ वेडिंग, या बहुत लाइट में इस तरह का तो नहीं उन्होंने अटेंड करना कोई फंक्शन, तो इस तरह के रूटीन कैजुअल मेकअप के लिए हम थोड़ा सा न्यूड कलर्स में जाते हैं, पेस्टल्स में, मैट में जाते हैं, क्योंकि समर है और टेम्परेचर का, वेदर का, इन सब चीज़ों का जहन में ज़रूर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड करना होता है। नॉर्मली ये देखा है कुछ लोग फोटोग्राफी के लिए मेकअप करते हैं, कुछ लोग रियलिटी के लिए मेकअप करते हैं, ये दो अलग अलग बातें, ये मैंने सीखी हैं करवा के। आप जो मेकअप करती हैं वो या फोटोग्राफी के लिए होता है कि रियल लाइफ ब्यूटी होती है? दोनों, क्योंकि मुझे मेरी कोशिश ये होती है कि बहुत केकी ना हो और बहुत फेक ना लगे, नेचुरल, कीपिंग इट नेचुरल येट इट लुक्स लवली, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पिक्चर्स आपने अपने लिए लेनी है और मेकअप आपने दूसरों को दिखाने के लिए करना है, तो आपको कमेंट्स दोनों में अच्छे चाहिए होते हैं। तो अब तो वैसे ही HD मेकअप और इतना हाई डेफिनेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी मोस्टली बताती रहती हूँ कि आप ये चीज यूज करें, शुरू करें, बिल्कुल हमें साथ साथ हमारे व्यूज देख रहे हैं बेस, क्योंकि सबका ये प्रॉब्लम है, हमें जब भी क्वेरीज आती है बेस, आप बताएं इनके कलर के मुताबिक बेस कौन सी लगाएंगे, आप लगाती जाएं साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे इनका थोड़ा सा टैन सा कम्प्लेक्शन है, तो वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि अपने कम्प्लेक्शन से
क्लोजेस्ट अपने टोन्स पे जाना होता है, ना ज़्यादा डार्क ना लाइटर, ना लाइटर बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो वैसे ही थोड़ा टैन टैन सा लुक चल रहा है, तो मैं मीडियम बेज सी टोन्स इनके लिए यूज करूंगी, फेयर या आइवरी या पोस्टीन कलर नहीं जाऊंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़ा सा वार्मिंग, ये बहुत इश्यूज हैं कि बेज जो है उसको उन्होंने कैसे लगानी है। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और लाइव मेकअप हो रहा है, लाइव फोटोग्राफी हो रही है, और लाइव जो है एक तरफ ग्रूम है और एक तरफ कैजुअल लुक हम लोग कर रहे हैं, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम जो है वो नंबर चलाएगी स्क्रीन्स पे, तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए और अपने मेकअप टिप्स जो हैं वो ले सकते हैं एक्सपर्ट से, महा आतिफ ब्राइडल स्टूडियो से। महा आतिफ आज हमारे साथ मेकअप कर रही हैं, तो महा आप बेस कर रही हैं। अच्छा, बेस के जी, दो देखिए, मैंने दो कलर, जी एक कलर मैंने यूज़ किया जिसमें हल्की सी ब्लू अंडरटोन्स हैं, ओके, एक में हल्की सी वार्म अंडरटोन्स हैं, ठीक है। अगर मैं खाली ये कम उनके लगा देती तो, क्योंकि ऑलरेडी इनकी हल्का से देखिए ग्रे एरियाज हैं, तो वो एक जो आप देखते हैं फ्लैश के बाद जब पिक्चर्स आती तो वो ग्रे ग्रे सा नजर आता है कहीं कहीं से मेकअप, उसको कल किल करने के लिए आपने उसको अंडरटोन पहले फिक्स करनी होती, तो इसलिए मैंने दोनों को आपस में मिक्स किया ताकि क्लोजेस्ट टू हर स्किन टोन आ जाए। वैसे भी एशियंस थोड़ी सी वार्मर होते हैं, बिल्कुल हैं, हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर की तरफ नहीं है, वी हैव अ व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, और इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटी आई वुड से, एजेस हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्किन, नो डाउट अबाउट इट। विल यू अप्लाई विद योर फिंगर टिप? मैं फिंगर टिप से करूंगी क्योंकि मुझे पहले फिंगर टिप ही होती थी, ये ब्यूटी ब्लेंडर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ब्यूटी ब्लेंडर ब्रशेस सबका अपना अपना है, ब्रशेस से होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाई कवरेज चाहिए तो आप ब्रश से करें, अगर आपको थोड़ा नेचुरल चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करें। अभी मैं सिर्फ एप्लीकेट इसके साथ करूंगी और उसके बाद मैं कबूकी ब्रश से इसको ब्लेंड कर दूंगी आपस में। ओके, हाँ महा, वैसे ये है कि इट्स अ वेरी नेचुरल कलर जो आपने चूज किया, जी जी, कि वो थोड़ा इनका इन्हीं का कम्प्लेक्शन थोड़ा एनहांस हो जाए, एग्जैक्टली, इट डजंट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ न्यू लुक, और एग्जैक्टली अक्सर होता है ना कि आप लगने चाहिए, नहीं वो वाली बात हमने सुनी होगी, जब मुंह धोए तो वो नहीं लगते, वो जो अक्सर हमने बड़े बड़े उसमें मीम्स भी बने हुए हैं कि रात को मुंह कुछ और था, सुबह उठ के देखा तो कुछ और है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा वो है कि आपको अपने कम्प्लेक्शन के मुताबिक अब मेकअप यूज करना चाहिए, बेस यूज करनी चाहिए, बिल्कुल, और बी द वन यू बी नेचुरल, बी नेचुरल एंड यू 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 नो हाउ टू ग्लो, एग्जैक्टली, ठीक है। This is called kabuki brush. जी, that's a kabuki flat brush. आप दिखा दो ताकि जी जी, it's a flat kabuki brush. और ये buffing के लिए, blend करने के लिए use होता है when you need a higher coverage. Okay. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका foundation oxidize भी हो रहा होता है, कुछ foundations होते हैं जो बहुत oxidize होते हैं, जैसे मैं जो use कर रही हूँ उस पर थोड़ा oxidize होता है, ठीक है, तो ये और थोड़ा सा टैन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज मींस अपना कलर, अपना कलर जी जी डार्कर हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन हमारी एयर में होती है उसके साथ उसके जो केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, और वो थोड़ा सा कलर उसका डार्कर उसमें चला जाता है। अच्छा, ये भी वो एक आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टिप दी है, तो जब भी आप फाउंडेशन लें तो आपने जहाँ से भी आप ले रहे हैं, हमें एक रिसेंटली क्वेरी आई थी मुल्तान से, हम उनका जवाब आज दे देते हैं। उन्होंने कहा था कि वैसे तो हमने उनका जवाब दिया था प्रोग्राम में, उनका ये कहना था कि मौसम मुल्तान का ना बहुत ह्यूमिड रहता है, और मैं जो भी बेस लगाती हूँ वो ऑटोमेटिकली इट फ्लशेज आउट, ठीक है, इट रिंस ऑफ सॉर्ट ऑफ, बिल्कुल, तो वो निकल जाती है। उसके लिए उनका ये पूछना था कि पिगमेंटेड बेस लगानी चाहिए या बेस स्टिक में लगानी चाहिए या लिक्विड में लगानी चाहिए, ये आप मुझे जल्दी से जवाब दें। ये सारा कुछ डिपेंड करता है उनकी स्किन टोन पे, okay. उनका स्किन टेक्सचर कितना है, जोन क्या है, जी टी जोन क्या है, और जैसे ऑयली है प्रॉबेबली उनकी ऑयली होगी तभी वो ह्यूमिड वेदर में सारी ग्रीसी होके उतर जाती होगी, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज मत करें, बहुत ज़्यादा प्राइमर ना लगाएं क्योंकि ऑलरेडी आपकी उस वेदर के लिए वेदर की जरूरत नहीं है, ठीक है, और लगाएं तो मैटिफाइंग प्राइमर में हल्का सा आपका मैटिफाइंग पाउडर, आपके पास अगर पड़ा हो ट्रांसलूसेंट पाउडर है हल्का सा वो मिक्स करके लगाएं, पहले आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लें ताकि आपका पोर्स ग्रीसी होना बंद हो जाए, वो ऑयल कंट्रोलिंग होती है क्योंकि मैटिफाइंग होता है वो, उसके बाद फिर आप अपना फाउंडेशन उसके ऊपर लगाएं तो इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके ओके ओके, सही है, तो हम जल्दी जल्दी, मैं इसी महा कह रही थी छोटी सी ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंप्लीट आपको हम दिखाएंगे
कि फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो चुका हुआ है और लुक्स जो है आगे वो महा फाइनल करेंगी. तो व्यूअर्स स्टे ट्यून विद अस. गुड मॉर्निंग थनक. वेलकम बैक व्यूअर्स. खूबसूरत मौसम के साथ हमारी हसीन सी डिश, मज़ेदार किस्म की जो डिश है वो बस तैयार होने वाली है और हमने कहा था कि हम आपके सामने पास्ता जो है वो रोल आउट करेंगे. तो ओवर टू यू मुस्तफ़ा. सो आई हैव गॉट द पास्ता डो रेडी ओवर हियर. वो क्या थोड़ा सा बता दो कैसे बनाया था. इसमें हाफ कप फ्लावर गया है और टू होल एग्स गए हैं. मैदा और अंडे, ठीक है, और थोड़ी से नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें मैंने डाला. उसको गूंद लिया आपने, उसका पेड़ा बना लिया. जी, बस. अब आप पास्ता रोल आउट करेंगे. अब जो है हम पास्ता. अच्छा, जिनके पास ये नॉर्मली मशीन नहीं है वो कैसे कर सकते हैं, ये भी तो बताए ना साथ साथ. वो बेलन से भी कर सकते हैं. अच्छा, बेलन से काट के छोटा छुरी से आगे कर लें. बिल्कुल. ओके, ठीक है. जिसमें बड़ा वो हार्ड है उसमें टाइम लग जाता है. ओके, तो ये जो है ये आपने इसको. अच्छा अच्छा, ये पूरा एक आर्ट है. इसको वापस आप करेंगे. हाँ जी. अच्छा, स्मूथ हो गया बस. सॉरी. ओके, तो ये अभी हमने ना सबसे थिक सेटिंग से इसको पास किया. ठीक है. अब ग्रेजुअली जो है हम इसको और पतला करते जाएंगे. हाँ, पतला करते जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली वो कटना शुरू हो जाएगा. हाँ जी, वो कटेगा नहीं. हम लोग ऐसे नहीं काट रहे हैं इस पास्ता को. हम लोग जो है इसमें पहले फिलिंग करेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे और फिर जो है फिर कटिंग करेंगे. जी, फिर कट करेंगे इसको. ठीक ठीक. अच्छा, बेसिकली इसको हम पतला कर रहे हैं. इस डो को हम थिन कर रहे हैं. हाँ जी, ग्रेजुअली जो है ये अब पतला होता जाएगा. ठीक है. और जब डिजायर्ड कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा मेरी, तो फिर मैं जो है इसको फिल करना शुरू करूंगा. ओके. अच्छा, इसमें से आप बार बार वो चेंज कर रहे हैं ताकि इसकी और मजीद थिन होता जाए. इसकी ये सेटिंग है 1-6. ये होता है जो 6 पे है वो सबसे पतली सेटिंग होती है. ठीक है. तो मैं सबसे पतली सेटिंग पे ही इसको लेकर आऊंगा अब. ठीक है. अच्छा, इसके लिए एक वो भी मिलता है, यू नो, एक क्या कहते हैं, चम्मच टाइप मिलता है, वो जो बड़ा सा जिसमें हैमिंग हैमर कहते हैं जिसको, जिससे आप इजीली इसको और पतला कर सकते हो. अब मुझे उसका नाम नहीं पता, बट आई डेफिनेटली लुक फॉर. जो मेरे ख्याल से स्टेक्स को भी हैमर हम करते हो कह रहे होते हैं. हाँ जी, वो तरीका है एक जो ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है, रेस्टोरेंट्स में यही इस्तेमाल होता है, यही तरीका जो है हम इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, ये अक्सर आपने डो ऐसा बनाया है, नॉर्मली होता है कि डो फट जाए. हाँ जी. ये नहीं फट रहा. नहीं, क्या यूज किया इसमें ज्यादा? इसमें मैदा और अंडों का ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है. और मैदा कितना लिया था आपने? हाफ कप फ्लावर, हाफ कप और दो अंडे एंड टू एग्स. हाँ जी. ओके, दैट्स इट. ओके, इसमें बड़ी हिम्मत लगती है, इतनी मुश्किल से मैंने पकड़ा हुआ है. फिर भी वो हिल रहा है. चलो जी, ठीक है, हमारा निकल आया. ओके, अब ये. अच्छा, वो इतनी सा जो चीज थी पेड़ा, वो इतना ज्यादा इसमें से आप निकाल सकते हो. अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर लगाऊंगा ताकि ये चिपके ना. ओके, ठीक है. और इसको ओके, इसको आपने डबल कर दिया है. हाँ जी. अब मैं एक साइड को फिल करूंगा इसकी और फिर जो दूसरी साइड होगी उसको इसके ऊपर मैं फोल्ड करूंगा. आई एम वेटिंग टू सी ही कटिंग होगे कैसा लगेगा. अच्छा, ओके, इस तरह आप इसको करेंगे. अच्छा, नॉर्मली हम रोल और समोसों की पट्टियां भी ऐसे बनाते हैं ना. जी, वो भी बिल्कुल यही तरीका है. यही तरीका है जी. अब हमने रोल्स और समोसा जो जिस तरह बनते हैं उस फिलिंग के लिए वो यही बिल्कुल यही तरीका है. आप इस अगर आपके पास ये मशीन हो तो आप इससे आराम से बना सकते हैं. अब जो है मैं ज़रा इंडेंटेशंस बना दूंगा इसमें ताकि मुझे पता हो कि किधर किधर मैंने फिलिंग डालनी है.
अच्छा, फिलिंग मींस टू से ये रिकॉटा चीज, रिकॉटा चीज, ओके सो आई एम जस्ट गोना टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ रिकॉटा चीज. अच्छा, इसका बैटर बनाया था आपने दूध के साथ? जी, ये बेसिकली पनीर है, ठीक है, और थोड़ी सी बस पतली है, उसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. और ओके, एक सेकंड, मैं एक स्टेप जो है आपको दिखा दूं पहले. हाँ, ये है कि पहले इसको एग वॉश करेंगे हम. ओके, ठीक है. अच्छा, एग वॉश का क्या इसका मतलब हुआ? ये बस एक मैंने अंडा फेंटा हुआ है और इसके ऊपर मैं ब्रश करूंगा ताकि जो इसका ऊपर वाला लेयर है ना वो इसके ऊपर चिपक जाए, चिपक जाए, बाइंड हो जाए, और ताकि जब हम इसको पकाएंगे तो खुलेगी खुलेगा नहीं, और जब हम इसको काटेंगे तब भी नहीं खुलेगा, ठीक है. तो ये अब पूरी साइंस है, यू नो, वी तो बस ऐसे करते हैं कि बनाया, उठाया और डाल दिया सारा कुछ पर. नहीं, बिल्कुल खाना तो ऐसा नहीं होता है. इट्स ये ओके, अच्छा, आपने अपने वो ज्यूरिडिक्शन बाउंड्री मार्क की हुई है. हाँ जी, इससे आगे नहीं जाना. मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे पोर्शंस जो हैं वो इक्वल हों. ओके, नाइस, ठीक है. अच्छा, इक्वली आपने इसको प्लेस आउट कर देना है विद इन द ये जो आपके जो आपने बनाए हैं, जो मैंने डाली हुई है इसके होल्स. हाँ जी, सही है. ओके, अब इसके ऊपर बाइंड कर देंगे. गोइंग टू स्टार्ट दिस. अच्छा, ठीक है. अब मैं ये करूँगा कि सारी जो इसके अंदर एयर पॉकेट होगी वो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि जब हम बॉईल करेंगे और अगर इसके अंदर हवा होगी तो ये खुल जाएगा. अच्छा, एयर पॉकेट्स आप निकाल देंगे? एयर पॉकेट्स बिल्कुल भी नहीं होनी नहीं चाहिए अंदर. तो अब मैं इसको बॉईल करेंगे. हाँ जी, इसको मैं बॉईल करूँगा अब. और जो फ्रेश जो हम लोग यूज टू होते हैं वो ड्राई पास्ता के, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ये विद इन वन मिनट ये रेडी हो जाता है. बॉईल हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल. अच्छा, विद इन वन मिनट? यस, विद इन वन मिनट. बॉइलिंग टेक्स अराउंड 5 to 10 minutes. हाँ जी, नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 5 to 10 minutes, बट विद फ्रेश पास्ता इट्स वेरी डिफरेंट. अच्छा, ये भी है व्यूअर्स के, फ्रेश पास्ता आप घर में बनाएं तो आसानी है कि बॉइलिंग बॉइल करना भी आसान है और इजीली बन भी जाएगा. नॉर्मली अगर आप दूसरा पास्ता लेके आते हैं टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इट. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ मनी, टू सेव द टाइम. तो आप टाइम सेव करें और ये चीज़ सीखें. अब जो मैं कर रहा हूँ बस थोड़ा सा जो चीज़ का शेप है वो उसको मैं दे रहा हूँ ताकि अच्छा लगे प्रेजेंटेशन में. और ठीक है, और सॉस जो है वो आपने रेडी कर लिया? जी, सॉस भी मैंने रेडी कर दिया है. टमेटो सॉस है, उसके अंदर गार्लिक, बेजल, फ्रेश थाइम, थोड़ा सा बे लीफ, तेज पत्ता. ठीक है, अब इसमें से आप करेंगे? करेंगे, सही है. अब मैं इसको अच्छा, ये सीखना भी बड़ा मुश्किल काम है. और आहा, अब मतलब कि आपको याद रखना चीज़ों के बारे में और इसको लर्न करना और उसको बनाना एज इट इज. अब देखें, वो शौक के ऊपर होता है हर इंसान के ऊपर. इनटू कल्नरी स्टफ एंड यस, आई वाज ऑलवेज इनटू कुकिंग मोस्ट ऑफ माय लाइफ. अम्मी के साथ हेल्प कभी कराई है? हाँ, कराई है. वो देखी होंगी, शौक है होंगी, देखो मेरा बेटा जो है कितनी अच्छी कुकिंग कर रहा है. हेलो मम्मा. डेफिनेटली. तो अच्छा, उनके साथ हेल्प कराते रहे हैं, नजर आ रहा है. बस इसको मैं ऐसे फोर्क के साथ सील कर दूंगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, आपने दोनों डो को सील कर दिया? यस. ताकि इसमें अब हवा ना जाए. अब इस ये अब एयर टाइट हो, रेडी टू कुक होने वाला है. बस okay. इसको मैं थोड़ा सा शेप दे दूंगा. अच्छा, नॉर्मली हम लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारी यूट्यूब्स पे चीज़ें देख रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है और इसके पीछे क्या एक पूरी केमिस्ट्री, क्या साइंस लेके आगे चल रही होती है. बस हम कह रहे होते हैं कि बस चीज़ बननी है, पास्ता है, पर हर चीज़ के पीछे उतनी ही कहते ना कि इनोवेशन होती है, हार्डवर्क होता है और आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत काउंट करती है. बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू ईट विद योर आईज फर्स्ट. या, that's been said. Huh. So I've got
these two, which are not so nicely shaped, so I'm not going to use them. No, it's fine. But I think it's fine. हाँ, थोड़ा सा वो triangle बन गया, but it's okay. So. अच्छा, ये square normally square में ही shape रखनी होती है. नहीं, आप कोई भी कुछ और आप इससे ना कुकी कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, कुकी कटर वो तो अवेलेबल होता है सबके घरों में होता तो है. उससे भी आप इसको जिससे हम बिस्किट काटते हैं उसको हम कुकी कटर कहते हैं. उससे भी आप इसको शेप दे सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. बस इसकी जो एक मुश्किल बात ये होती है इसकी जो टेक्निक आप फौरन इसको रख दें असेंबल करें बॉइलिंग से पहले तो हम व्यूअर्स को दिखा दें फिर हमें छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे जाना है और फिर वापस आके हम आपको इंटायर लुक इंटायर दिखाएंगे कि हमने डिश आउट इसको कैसे किया इसकी सॉस कैसे बनी है और इसको प्रेजेंट कैसे करना है. और अच्छा, इसके साथ कौन सी ड्रिंक पी सकते हैं हम लोग? इसके साथ जो आप चाहें ड्रिंक पी सकते हैं. नॉर्मली मौसम इज लाइक यू हैव सीन द वेदर. हां, आई मीन यू कैन व्हाट आई मिड मार्गरिटा. हां, श्योर मिड मार्गरिटा मेक सेंस. या आई एंजॉय माय फूड विद अ कैन ऑफ कोला. कोला और सब ठीक है. और आप मिंट मार्गरिटा भी बना सकते हैं. बट वी ऑलवेज एम्फसाइज के बी नेचुरल और मिंट और लेमन और साथ आप वो कोला को डाल के ब्लेंड करके आराम से पिए. और व्यूअर्स, तो आपने शेप देख ली है और छोटी सी ब्रेक पे जाना है. ब्रेक के बाद वापस आके आपको कंप्लीट लुक दिखाएंगे, कंप्लीट डिश के बारे में बताएंगे और प्रेजेंट करके दिखाएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. वेलकम बैक व्यूअर्स. और मेकअप जो है वो तकरीबन फाइनल हो गया है और मेकअप के बारे में हमने ये देखा आज कि मेकअप जो है वो नेचुरली अपने लिए करना चाहिए, ना पिक्चर्स के लिए करना चाहिए, ना आपको रियलिटी के लिए करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए. आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप जिसमें अच्छे लग रहे हो, यही सीखा है आज हमने महा से. और महा, आप लास्ट इनका क्या रह गया अब? तो सब इनका लिप कलर मैं लगाने लगी हूँ और हल्का सा थोड़ा सा ड्यूई लुक देने के लिए मैं हल्का सा हाईलाइट करूँगी. अच्छा, वैसे इनका बहुत नेचुरल बहुत सटल लुक आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि इन्होंने मेकअप किया ही नहीं. इट्स कम्प्लीटली नो मेकअप लुक बट विद मेकअप. एग्जैक्टली. हाँ, कीपिंग इट नेचुरल येट शी इज़ वेयरिंग एवरीथिंग. या बिल्कुल सब कुछ है, उनके लैशेज भी हैं और आई शेड भी लगा हुआ है, नाइस यू नो पीची ब्लश भी लगा हुआ है. अच्छा, ज़रूरी नहीं, देखिए मैं आई हैवंट put any eyelashes क्योंकि fake eyelashes लगाना ज़रूरी नहीं. अगर आपने volume में अपनी बिल्कुल बिल्कुल फाइबर mascaras होते हैं, lash turners होते हैं, उसके थ्रू आप ठीक है. आप इनका लिप कलर लगाएं लास्ट में बिकॉज वी वॉन्ट टू सी विच कलर लिप कलर यू. अच्छा, हाई लाइटर के लिए मैं बता दूँ कि हाई लाइटर लगाने का मकसद ये नहीं होता कि हाई लाइटर नज़र आए. हाई लाइटर का मकसद सिर्फ ये होता है कि जब लाइट उस एरिया पर पड़े तो वो हल्का सा हाईलाइट करें, हाईलाइट करें, वरना मोस्टली व्हाइट कलर का हाईलाइटर अक्सर लोगों ने रोज भी बहुत ज्यादा चौड़े चौड़े नहीं बनाए, ये मैंने देखा बड़ा नेचुरल क्योंकि उनके नेचुरली बने हुए नहीं है उन्होंने. शी स्किप केप्ट इट नेचुरल, आजकल चल भी यही रहा है तो मैंने हल्का सा ब्राउ वैक्स के साथ उसको नीट किया बस. ठीक है, नाइस. और लिपस्टिक इस पे आप कौन सी लगाएंगी, पीच या पिंक? हल्का सा पीची ब्राउनिश. जी 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 जी, आप लिपस्टिक करें और ताकि कंप्लीट लुक हम खड़ा करके दिखा सकें कि. और बहुत नेचुरल मेकअप जो है वो आजकल ट्रेंड में भी है. आप केकी मेकअप अब कोई पसंद भी नहीं करते और पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स आतिफ पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली आप अगर कहते हैं कि ब्राइड बहुत ओवरली ड्रेस या ओवरडू हुआ हुआ है, मेकअप बहुत ज़्यादा केकी हुआ हुआ है, तो उसको उसकी ग्लेयर को या उसकी जो होती है ल्यूमिनोसिटी को कम कैसे करते हैं आप? जी वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप होया हुआ है तो हमारे थोड़ा सा ट्रबल होता है, बट फोटोशॉप और इस तरह के सॉफ्टवेयर सारा कुछ आप पोस्ट में करते हैं, पोस्ट में थोड़ा सा कम कर देते हैं. बट बेहतर ये होता है कि आप लेस मेकअप करें अकॉर्डिंग टू द लाइट. और इनकी तो कंपेटिबिलिटी मेरे साथ है, इन्हें पता है कि अगर हमने पिक्चर्स लेनी है तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली कैसा मेकअप किया जा सकता है. तो मैं बल्कि आपको कुछ शॉट्स भी इनके अभी आफ्टर लिप कलर में आपको शॉट्स दिखाऊंगा तो कैमरा के अकॉर्डिंगली उसमें आपको आइडिया होगा कि कितना अच्छा. तो ये भी होता है ना कि बंदा अगर शॉर्ट हाइट है थोड़ा सा आप फ्रेम नीचे से लो पिक्चर्स. एग्जैक्ट. थोड़ा सा अगर यहाँ से ब्रॉड है तो आप मिडिल फ्रेम रखो. मिड फ्रेम रखो.
और अगर बहुत पिटीट है तो आप क्लोजअप्स लेके जाओ. तो ये चीज़ें जो होती हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख लेते हो. हाँ जी, फोटोग्राफी की ट्रेनिंग में बेसिक्स हैं ये बहुत से कि आपने किस तरह कंट्रोल करना है फ्रेम और लेंस बहुत मैटर करता है. वाइड लेंस में आप जरा स्किनी आते हैं, कुछ क्लोज लेंस में टेली लेंस में जरा वाइड. आदिब, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, एनी मैसेज यू वॉन्ट टू गिव टू ऑल द फोटोग्राफर्स, ऑल द फोटोग्राफी फ्रटर्निटी एंड ऑल योर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग एट यू? फोटोग्राफी इज़ अ वेरी वाइड चैप्टर, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है. एवरी डे इज़ अ डेवलपमेंट, नया कुछ आता रहता है इसमें. कैमरा भी बदलते रहते हैं, कैमरा बदलते रहते हैं, टेक्निक्स वही हैं, कैमरा बदलते रहते हैं, लाइट बदलती रहती है. एवरी सिंगल मिनट इज़ अ न्यू फ्रेम. ओके, तो कीप वर्किंग, एक्सप्लोर करें, अपने आप को अपग्रेडेड रखें, इंटरनेट पर देखें दुनिया क्या काम कर रही है, इंटरनेशनली क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम लोग कैसा काम कर रहे हैं. ये आप जब तक देखेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, आप इससे सीख नहीं सकते. इट हैज़ अ लॉट ऑफ जॉनरा, सो मेनी फील्ड्स इन फोटोग्राफी, एंड इट्स अ क्विक मनी. अगर किसी को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, दे कैन स्टार्ट अर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स. ऑब्वियसली शूट्स हैं आपके पास, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, फैशन शूट्स हैं, इट्स अ वाइड 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 रेंज. एग्जैक्टली, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग क्योंकि इंटरनेट बेस्ड कर रहे हैं सब कुछ और ई कॉमर्स की तरफ भी जा चुके हैं. बिल्कुल, वो भी फोटोग्राफी बेस्ड है, फोटोग्राफी बेस्ड. हाँ, लेकिन ई कॉमर्स में भी आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी जिम्मेदारी है कि आप जो दिखाएं वो दें लोगों को. Exactly, अक्सर पिक्चर्स कुछ होती हैं और हमें जब चीज़ें आ रही होती हैं घर में, हम लोग मंगवा रहे होते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, तो वो कुछ और होती हैं. Exactly. तो फोटोशॉप कम करें, फोटोशॉप कम करें, ओरिजिनल जो चीज है बी ओरिजिनल, पिक्चर अच्छी ले लें ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छी आए. लिप कलर तकरीबन हो गया है वहाँ, और हम इनको अब इनकी लुक दिखा दें इफ यू वुड से. अच्छा ठीक है, आप मिक्सिंग कर रही हैं, थोड़ा सा पीच जो है उस पर मिक्स कर रही हैं. आजकल ओम्ब्रे लिप्स चले हैं. अच्छा, ओम्ब्रे आउटलाइन ओम्ब्रे चली हुई है. जी जी, समटाइम्स बाहर से डार्क होता है, अंदर से लाइट होता है, समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर कम्प्लेक्शन एंड योर लिप शेप. ओके, समटाइम्स हम ओवरऑल लाइट रखते हैं और अंदर से इनर जो आपकी है लाइन उसको हम डार्क रखते हैं. अच्छा, ये ठीक है, ये इस तरह का ट्रांजिशन है, समटाइम्स डार्क एंड लाइट एंड लाइट एंड डार्क. एग्जैक्टली, ओम्ब्रे मींस कलर ट्रांजिशन, कलर ट्रांजिशन. ओके, तो ये भी मुझे आपने अच्छी टिप दी है कि जो हमारी मेकअप फैंसियर्स हैं जो देख रही हैं हमें और जो ट्यूटोरियल्स फॉलो करती हैं, तो आजकल जो लिप्स हैं वो ओम्ब्रे चल रहे हैं. जी जी, ओके, वेरी नाइस. I like the color you have used. अब ये लिपस्टिक का कलर कौन सा है, मैं आपसे बाद में पूछूंगी शो के बाद. Sure. But it looks amazing, perfect on her. Okay. I think she's done. So a complete look के लिए आप दिखा दें और आप देख सकते हैं कि ये complete look है. अब एक आधी picture आप लें और हमें बताएं कि इनका जो है, she's heighted and she's like pretty tall and skinny. तो ओके, सो यू हैव टू स्माइल अ लिटिल बिट, लुक इन द कैमरा, अपने नेचुरल एक्सप्रेशंस भी दे दो. ठीक है, अब आई विल टेक योर पोर्ट्रेट ताकि आपका मेकअप भी दिखाया जा सके. तो फेस अ लिटिल बिट डाउन, चिन डाउन, स्लाइटली स्माइल, परफेक्ट लुक इन दिस साइड. ओके, सो हिना ये देखें, अब इस कैमरा में ऐसी है, मैं व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ अभी. व्यूअर्स अगर यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका कम्प्लेक्शन कैसा आ रहा है और अकॉर्डिंग टू द कैमरा कैसा मेकअप हुआ है. सो किस तरह से लग रही है और यहाँ पे कैमरा में कितना स्पेशल. यू नीड अ मच फोटोशॉप बिकॉज़ ऑलरेडी मेकअप इज वेरी सटल. एग्जैक्टली, मेकअप बहुत अच्छा की वजह से सब कुछ है. तो ये तो अमेजिंग प्रैक्टिस थी कि हम लोग अपना मेकअप करके किस तरीके से अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, कैमरे के लेंस की कितनी ज़रूरत होती है हमें. तो व्यूअर्स, मैं महा का एक बार थैंक यू कहती हूँ. महा, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, डूइंग अमेजिंग मेकअप. थैंक यू सो मच आतिफ रियाज फ्रॉम आतिफ रियाज प्रोडक्शंस, डूइंग अमेजिंग अमेजिंग जॉब. एंड दिस इज आवर डिश एंड इट्स कॉल्ड, इट्स आवर रिकॉटा रेवियोली विद टोमेटो सॉस एंड इट हैज सम पार्मेजान चीज, some basil, some fresh basil. Okay. And extra virgin so olive oil. So you need to dish it out. So I'm going to taste it. I'm going to let you know कि कैसा बना है और इसको खाने का क्या तरीका है. Normally होते हैं ना कि हम पूरे dishes, okay, now it's like too much for me, but it's fine. और इसको आप खा सकते हैं with you need to have a you know butter knife. Yeah. But it's fine. No, you can just have it with a fork. I think. With a fork, I get the cheese piece. Yeah. Okay. Yeah. चीज़ी है आज, चीज़ इज़ लाइक फाइन फॉर मी आज, इट्स माई चीज़ डे, बट आई डेफिनेटली ट्राई दिस. ओके,
वाह थैंक यू सीरियसली अमेजिंग लिटरली इट्स अ वेरी डिफरेंट डिश इट हैज अ वेरी डिफरेंट टेस्ट और अमेजिंगली कुक्ड अमेजिंगली प्रेजेंटेड मुस्तफा यू डिड अ ग्रेट ग्रेट जॉब थैंक यू और हमें आज बड़ा मजा आया हमने बड़ा डिफरेंट खाना खाया है और खाएंगे अभी शो के बाद बट इट्स अ जॉब विच इज डन रियली वेल थैंक यू अमेजिंग अमेजिंग सो मुस्तफा को भी हम अब इंशाल्लाह बुलाएंगे और मजीद इनसे डिशेज खाएंगे भी सीखेंगे भी आई एम नॉट कंट्रोलिंग माई हैंड्स बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हैव इट और सुबह सुबह का वक्त है और मेरा बेहतरीन नाश्ता जो है वो हो गया आज और आप भी आज अपना जो है वो दिन का आगाज़ कुछ इस तरह करें कर लिया होगा आपने मगर अमेजिंग सी डिश बनाएं खाएं मौसम को इंजॉय करें और जो हमारे प्यारे प्यारे से गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने हमें अमेजिंग बन के बताया कि आपने अच्छा कैसे दिखना है कैमरा कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपकी ज़िंदगी में और लेंस से आप क्या क्या चीज़ें कैप्चर कर सकते हो कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हो इससे आप अपने बिज़नेस को कैसे फ्लरिश कर सकते हो ये एक आर्ट है अक्सर लोग पढ़ के सीखते हैं अक्सर लोग एक्सपेरिमेंट्स कर करके सीखते हैं बिकॉज आपने ये आर्ट सीखी हमने ट्राई की कि हम आपको सिखाएं छोटी छोटी सी टिप्स दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर आगे से चला सकें बना सकें तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपने हमें ज़रूर फीडबैक देनी है हमारे सोशल पेजेस ऑलवेज यू नो मतलब कि चल रहे हैं आप उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कल हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ नए गेस्ट के साथ नई थीम के साथ हमें पसंद करते रहे देखते रहे धनक स्टे ट्यून्ड विद अस ऑलवेज खुदा हाफिज़